डीप सी के जानवर एक मिस्टीरियस एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। वो अभी एट दिस वेरी मोमेंट विकसित हो रहे हैं कुछ बहुत ही बदसूरत जीवों में। यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये है शैलो वाटर्स में रहने वाला स्क्विड और ये है डीप सी में रहने वाले इसी सेम जीव का कजिन। आप क्लियरली देख सकते हो सेम स्पीशी के होने के बावजूद भी इस स्क्विड ने अपने आप को एक खून चूसने वाले वैम्पायर के रूप में इवॉल्व कर लिया है। रीजन, वेल, डीप सी में जो खुद को जिंदा रखना था। तो क्या वाकई में डीप सी में सरवाइव करने के लिए सी क्रीचर्स को डरावना रूप ही लेना पड़ता है? वेल, काइंड ऑफ। और क्यों और कैसे, ये मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट यू नो व्हाट, सभी फिशेस एग्जैक्टली सिर्फ डरावने ही नहीं होते, कुछ स्पीशीज वियर्ड अजीबोगरीब भी होते हैं डीप सी। जैसे ये सरकास्टिक फ्रिंज हेड, भले ही ये साइज में 2 लीटर की बोतल जितना छोटा दिखता हो, लेकिन जैसे ये मुंह खोलता है तो इतना बड़ा दिखने लगता है कि किसी इंसान के सर को ही निगल ले। और इन सबसे अलग, सबसे निराला, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक आंख वाले पपेट में से उसके आईबॉल को ही नोच कर निगल दिया हो। सो क्या स्केरीनेस के साथ साथ ये वियर्डनेस भी डीप सी क्रीचर्स की एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ हार्श एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, लैंड एनिमल्स भी हार्श एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ये हमारे घर में भी रहता है, रेगिस्तान में भी और अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में। अरे ये सब छोड़ो, वोल्केनोस के क्रेटर्स में भी ये मिले। लेकिन इन सभी कॉकरोचेस में ना सिर्फ इनका साइज छोटा बड़ा होते रहता है, इतने ड्रास्टिक चेंजेस इनमें नहीं देखे गए। तो फिर समुंदर में आखिर ऐसी कौन सी खूबी है जो गहराई बढ़ते ही जीवों को एकदम से विभत्स, कुरूप और अजीबोगरीब बनाने लगती है? अब इंटरेस्टिंगली कुछ रिसर्चर्स जब इसका जवाब ढूंढ रहे थे, तब उन्हें गहरे पानी में तैर रहा एक हेडलेस चिकन मिला, जिसने उन्हें इन सभी सवालों के जवाब दे दिए। दरअसल 2018 की ये बात है, ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स का एक ग्रुप एंटार्क्टिक डीप सी में अंडरवाटर कैमरा के जरिए फिशिंग स्पॉट्स को खोज रहा था। तभी उनमें से एक रिसर्चर को पानी में एक सरकटा मुर्गा तैरता हुआ नजर आया। अब एंटार्क्टिक सी के बीचों बीच एक मुर्गे का मिलना अपने आप में ही एक काफी वियर्ड बात थी। ऊपर से इस मुर्गे का तो सर भी नहीं था, और इसीलिए हड़बड़ाकर उस रिसर्चर ने इस मुर्गे के बारे में अपने लीडर डर्क वेल्सफोर्ड को बताया। पहले तो डर्क को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से इसे देखा तो ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड। क्योंकि एक तो वो सच में किसी क्रिसमस टर्की जैसा लग रहा था, और दूसरी बात, उसके बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग थी जिसके जरिए वो सांसें भी ले रहा था, खाना भी खा रहा था, और वहीं से ही अपना पचाया हुआ खाना बाहर भी निकल रहा था। Can you believe that? But इससे भी ज़्यादा weird बात ये थी कि उसके इसी two-way opening को साफ रखने के लिए उसने अपने इस opening में छोटे-छोटे fishes भी पाल रखे थे, जो बचे-खुचे खाने को चट कर रहे थे। अब obviously ये सब देखकर Dirk और उनकी टीम काफी ज़्यादा curious हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में इतनी अजीबोगरीब चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। So खोज करते वक्त उन्होंने उस जीव के फुटेज को बार बार लूप पर देखना शुरू कर दिया। एंड देन सडनली उनमें से एक ने कहा कि अरे ये तो एक सी क्यूकम्बर है। आई मीन वही सी क्यूकम्बर जो कई बार बीच वगैरह के शैलो वाटर्स में ऐसे ही पैरों के नीचे पड़े मिलते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि आप देख सकते हो कि एक सी क्यूकम्बर और इस नए मिले जीव में जमीन आसमान का फर्क है। सो आखिर इस कंक्लूजन पर वो रिसर्चर्स पहुंचे कैसे? अब इस पर उन रिसर्चर्स का ये कहना था कि समुंदर में ऐसी सिंगल ओपनिंग और जेलेटिन जैसी सॉफ्ट स्किन वाली प्रजाति सिर्फ एक ही है, और वो है सी क्यूकम्बर, और इसी वजह से उन्हें उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई। बट क्या वाकई में, अभी भी ये सवाल लिंगरिंग है कि सेम स्पीशीज के होने के बावजूद भी इन दोनों जीवों में इतना जमीन आसमान का डिफरेंस कैसे आ सकता है? सो इसी दिशा में, इसी प्रश्न के साथ जब डर्क ने जांच पड़ताल शुरू की, तब उन्हें यह पता चला कि यह सी क्यूकम्बर समुद्र में माउंट एवरेस्ट जितनी गहराई में रहता था, जहां पर खाना इतने आसानी से नहीं मिलता, और इसीलिए इसने नॉर्मल सी क्यूकम्बर्स के विपरीत विंग्स जैसे फ्लैप्स को इवॉल्व किया, सो दैट वो ज्यादा दूर तक तैर कर खाना ढूंढ सके, एंड हेंस वो शैलो वाटर सी क्यूकम्बर से अलग दिखता है। अब इस पर्टिकुलर केस की सच्चाई जानने के बाद डर्क के मन में एक और एक सवाल आया कि डीप सी में ऐसे और भी तो कितने ही जीव होते होंगे जो इसके जैसे ही या फिर इससे भी ज्यादा वियर्ड तरीके से इवॉल्व हुए। क्योंकि फर्दर रिसर्च करते वक्त उन्हें ये क्रीचर मिला, एक क्रैब। यस, एक ऐसा क्रैब जिसका सिर्फ एक पैर फोटो में दिख रहे इंसान के चेस्ट से शुरू होकर उसके लेग्स पर आकर खत्म होता है। अब इस क्रैब को देखकर किसी भी इंसान की तरह डर्क को लगा कि ये तो अब तक का सबसे बड़ा क्रैब होगा। But boy, he was wrong over there.
क्योंकि गहरे पानी में रहने वाले इस क्रैब के स्पीशीज के सबसे बड़े क्रैब्स का सिर्फ एक पैर ही एक एडल्ट इंसान की ऊंचाई जितना लंबा होता है। ये तो बस सिर्फ एक एवरेज साइज का क्रैब था। इनफैक्ट इतने बड़े होने की वजह से ये क्रैब्स आसानी से एक इंसान के बच्चे को भी निगल सकते हैं, और इसी वजह से इनके साइटिंग्स के बाद लोगों ने इन्हें क्रैबजिल्ला नाम दे दिया था। आपको में भी याद होगी थुल्हू मॉन्स्टर की स्टोरी, जो सेलर्स को शिप्स में से घसीट कर पानी की गहराइयों में ले जाता था। वो स्टोरी भी इसी क्रैब से इंस्पायर्ड थी। यानी कि इस जीव तक आते आते डर्क समझ गए थे कि डीप सी में सर्वाइवल गेम कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे गहराई से समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। और यही वो सोच थी जिसने उन्हें तीसरे सबसे वियर्ड जीव तक पहुंचाया, एक ऐसा जीव जिसके लिटरली गले तक तेज नुकीले दांत थे। अब ये जीव विकसित हुआ था एक सिंपल ईल से, जिसके अंदर ये परिवर्तन गहरे पानी में रहने के वजह से आए थे। सो इस पर्टिकुलर ईल के केस में आखिर क्या हुआ? वेल, इन जैसे फिशेस की गहरे पानी में सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखो, शैलो वाटर्स में ईल्स शिकारी के पकड़ से बचने के लिए पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा करते हैं, जबकि गहरे पानी में ये प्रजाति ईल्स की खुद शिकारी है, और इसीलिए उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि उनके मुंह से शिकार ना छूटे। और इसी वजह से एज अ सर्वाइवल ट्रेट उन्होंने अपने गले तक इनवर्ड फेसिंग दांत डेवलप कर लिए। अब यहां तक फ्रेंड्स, मे बी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ओके, अंडरस्टूड कि जो नॉर्मल क्रीचर्स है वो डीप सी में जाने के बाद वियर्ड दिखने लगते हैं, बट ये एवोल्यूशन एग्जैक्टली होता कैसे है? कितना टाइम लगता है? Well, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए MIT की एक रिसर्चर सुजैन लिनक्विस्ट ने काफी यूनिक रिसर्च कंडक्ट की। दरअसल अपने रिसर्च में उन्होंने कुछ मेक्सिकन टेट्रा फिशेस को लिया। अब स्पेसिफिकली इन्हीं फिशेस को क्यों लिया गया? क्योंकि सुजैन के मुताबिक आज से कई मिलियन सालों पहले कुछ मेक्सिकन टेट्रा फिशेस शैलो वाटर से गहरे समुद्र के केव्स में रहने चले गए थे, और गहरे पानी में जाते ही उनकी आंखें चली गई और वो अपने शैलो वाटर कजिन से अलग दिखने लग गए। सुजैन को ऐसा लगा अगर वो उनके इस एडेप्टेशन के पीछे की वजह ढूंढ पाई, कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढ पाई, तो शायद उन्हें डीप सी क्रीचर्स के वियर्डनेस और स्केरीनेस के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि उसे ऐसा शक था कि शायद इसके पीछे एनिमल्स के जीन्स में म्यूटेशन लाने वाले HSP90 प्रोटीन का हाथ हो सकता है, और इसी को वो वेरीफाई करना चाहती थी। अब इसके लिए उन्होंने शैलो वाटर में रहने वाले आंखों वाले कजिन्स में कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया और उनके HSP90 प्रोटीन को वॉलंटरीली मैनिपुलेट किया। एंड नाउ डू यू नो उसके बाद क्या हुआ? वेल, कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने ये देखा कि इन फिशेस की अगली जनरेशंस में कुछ की आंखें ज्यादा बड़ी हो गई थी तो कुछ की आंखें उनके डीप सी कजिन्स जैसी गायब हो गई थी। बिसाइड्स उन्होंने ये भी देखा कि मछलियों की आंखों की साइज में 83% का डिफरेंस था, और इससे उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो मेक्सिकन टेट्रा गहरे समुद्र में रहने चले गए थे उनके HSP90 प्रोटीन्स में वेरिएशन आ गए थे। अब डेफिनेटली यहां पर नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये था कि आखिर क्यों? अब उस टाइम पे जब ये फिशेस इवॉल्व हुए थे तब एग्जैक्टली क्यों ये हुआ था, ये तो एग्जैक्टली फॉर श्योर जानने का कोई तरीका नहीं है सिवाय टाइम मशीन में पीछे जाने का। लेकिन हम इस एवोल्यूशन के पीछे कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, गहरे समुद्र में अंधेरा ज्यादा होता है जिसके वजह से कोई भी फिश के दिखाई देने के चांसेस कम होते हैं, और इसीलिए ऐसे में किसी भी फिश के लिए आंखों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पानी में हो रहे हलचल यानी कि मूवमेंट्स को डिटेक्ट करना। और इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से इन फिशेस ने आंखों को डिस्कार्ड करके पानी में हो रहे हलचल को महसूस करने वाले सेंसेस को डेवलप कर लिया। सो आंखों की जब डीप सी में इतनी जरूरत ही नहीं थी तो नेचुरली इन आंखों ने सर्वाइवल को बेनिफिट नहीं किया, और अगर आंखों ने सर्वाइवल को बेनिफिट नहीं किया तो कुछ म्यूटेशन वर्जन्स में आंखें नहीं थे और फिर भी वो फिशेस अच्छे से सरवाइव करने लगे, तो धीरे धीरे करके आंख का ट्रेट न्यूअर वर्जन्स में कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया और रिप्लेस हो गया उन ट्रेट से जो कि वाकई में सर्वाइवल को बूस्ट कर रहे थे इन द डीप सी। बट यहां पर एक और एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। डीप सी में ऐसे भी तो कई फिशेस है जिनकी आंखें हैं, और अगर आंखें डीप सी में सर्वाइवल में जरा भी बेनिफिट नहीं कर रही तो उन सभी फिशेस की भी आंखें नहीं होनी चाहिए थी। वेल, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा सा वापस से समझते हैं। देखो, HSP90 प्रोटीन का काम होता है किसी भी जीन्स में म्यूटेशन लाना, ना कि सिर्फ आई रिलेटेड जीन में ही म्यूटेशन लाना, और इसीलिए ये प्रोटीन अलग अलग जीवों में अलग अलग जीन्स को म्यूटेट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ फिशेस ने अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए अपने स्किन कलर को डिटरमाइन करने वाले जीन्स में म्यूटेशन लाया और अपने बॉडी के कलर को ब्लैक या रेड में कन्वर्ट कर दिया।
क्योंकि गहरे समुद्र तक आते आते सबसे पहले रेड लाइट स्कैटर होके खो जाती है, जिसकी वजह से ये कलर वाले जीव डीप सी में एक तरह से इनविजिबल हो जाते हैं। और यही वजह थी इवन डर्क ने भी जिन जिन फिशेस पर स्टडी किया उनमें से मोस्ट ऑफ द डीप सी क्रीचर्स का कलर या तो रेड था या फिर ब्लैक। और यहाँ पर जस्ट टू आंसर द ओरिजिनल क्वेश्चन एक सेकंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आता है। सो आज हम सभी जानते हैं हम इंसानों के पास एक टेल बोन होता है, लेकिन वो टेल बोन हमारे कोई काम नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने वो ट्रेट को इनहेरिट किया है। सो एवोल्यूशन के यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शंस भी है। डेफिनेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप उन ट्रेट्स को यूज नहीं करोगे तो आप उसे लूज कर दोगे, बट कई बार कुछ ट्रेट्स इवन दो वो आपको बेनिफिट नहीं भी कर रही है तो भी वो आने वाले जनरेशंस में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और ऐसा ही सेम बाकी फिशेस के साथ भी हो रहा हो सकता है। इवन दो आंखें उन्हें बेनिफिट नहीं कर रही उतना, लेकिन इट हैज जस्ट बिकम लाइक ए वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर नाउ। सो अब लुकिंग बैक, क्या मिस्ट्री कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। जब सूजन इस पर और डिटेल में रिसर्च करने लगी तब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि सभी क्रीचर्स के वियर्ड और स्कैरी दिखने के पीछे अकेले HSP90 प्रोटीन का हाथ नहीं है। पास्ट में हुए कई सारे स्टडीज ये भी बताते हैं कि डीप सी में रहने वाले जानवर एक ऐसी स्पेशल चीज भी बनाते हैं जिसके वजह से उनका स्ट्रक्चर अजीब दिखने लगता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक रिसर्चर एबी चैपमैन ने देखा था कि जिस तरह टेंट के रॉड्स या उसका फ्रेम उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं, उसी तरह डीप सी के क्रीचर्स के सेल्स में भी पीजियोलाइट नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें डीप सी के हाई प्रेशर में पिचकने से बचाते हैं। आई एम नॉट श्योर आपके दिमाग में यह सवाल आया था कि नहीं कि डीप सी में तो एक्सट्रीम प्रेशर होता है, आखिर ये क्रीचर्स विदस्टैंड कैसे करते हैं? वेल, नाउ यू हैव द आंसर। इसी पीजियोलाइट की वजह से ऑर्गेनिजम्स के सेल्स नॉर्मल सेल्स से अलग दिखने लगते हैं, जो कि झलकता है उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी। लेकिन ये एडेप्टेशन भी सभी फिशेस नहीं दिखाते। कुछ फिशेस एक अल्टरनेट मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो अपने बॉडी के शेप को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि उनके बॉडी के हर एक इंच पर कम से कम दबाव पड़े। अब ऐसे केस में टू विदस्टैंड सच प्रेशर सबसे आइडियल शेप क्या हो सकता है? वेल, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज अ स्फीयर। और इसीलिए डीप सी में सी क्यूकम्बर्स जो होते हैं वो फूले हुए गुब्बारों की तरह दिखते हैं। और रही बात इन फिशेस की, तो आप देख सकते हो इनका लोअर जॉ अनयूजुअल तरीके से बड़ा है। ये इसीलिए है क्योंकि इन छोटे छोटे फिशेस को ज्यादातर वही चीज खाने को मिलती है जो ऊपर सरफेस के पास रहने वाले फिशेस के मुंह से छूट कर नीचे डीप सी तक चली जाती है। और इसीलिए ऐसे में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन यही होगा कि मुंह ही इतना बड़ा बना लो कि वन गो में ही सब कुछ एक साथ समेट लो। सो ऑल इन ऑल नाउ वी नो कि इन सभी जीवों को डीप सी के हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने जेनेटिक्स, अपने सेलुलर स्ट्रक्चर, यहां तक कि अपने शेप में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। और इसीलिए एज अ रिजल्ट ना चाहते हुए भी वो काफी डिफरेंट और यूनिक दिखने लगते हैं। बट अब जरा इस चीज को कंसिडर करो। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि हमने जब से वीडियो स्टार्ट किया और जैसे जैसे हमने इन फिशेस के स्ट्रक्चर्स को डीकोड करना शुरू किया तो कुछ समय बाद सडनली वो इतने वियर्ड हमें नहीं लगने लगे। सो यहाँ पर बेसिकली उत्पन्न होता है ये सवाल कि कोई चीज हमें स्कैरी और वियर्ड आखिर लगती ही क्यों है? क्यों अगर कोई चीज डिफरेंट दिख रहा है तो वो हमें स्कैरी या वियर्ड लगता है? आखिर स्कैरी या वियर्ड का मतलब ही क्या होता है? और क्यों हमें कोई चीज शुरुआत में स्कैरी लगती है लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर के बाद उसका स्कैरीनेस, उसका वियर्डनेस ऑल ऑफ अ सडन कम हो जाता है? वेल, इस कॉन्सेप्ट को ना मैं एक सिंपल से थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिन करो कि आप एक सर्कस देख रहे हो और वहां पर एक एक्टर नन का कॉस्ट्यूम पहनकर आपको डराने की कोशिश करता है, तो क्या आपको डर लगेगा? वेल, एक्टर को छोड़ो, अगर उस सर्कस में असली नन भी घुस गई ना तो भी किसी को उससे डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अंधेरी रात में एक सुनसान से रास्ते पर चल रहे हो और वहां पर एक एक्टर नन का कॉस्ट्यूम पहनकर आपके सामने आ जाता है, पक्की गारंटी आपको अब डर लगेगा। सो अब एग्जैक्टली डर लग किससे रहा है, उस नन से या एनवायरमेंट से? वेल, एनवायरमेंट से, क्योंकि एनवायरमेंट अननोन है। सो एक्चुअली मैं फंडामेंटल लेवल पर डर हमें उन चीजों से लगता है जो हमारे लिए अननोन है, बिकॉज अननोन चीजों को हमारा दिमाग एक तरीके से रिस्क से के साथ एसोसिएट करता है, अनसेफ होने के साथ एसोसिएट करता है। एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रीजन, क्योंकि अगर हम डीप सी की बात करें तो यू नो 95% डीप सी अनएक्सप्लोर्ड है, और जितने भी डीप सी के आप क्रीचर्स देखते हो ये क्रीचर्स आपको नॉर्मली इधर उधर नहीं दिखते, सो इनका आपके सामने एक्सपोजर बहुत कम हुआ है, और इसी वजह से ये क्रीचर्स हमें एलियन नजर आते हैं, अननोन नजर आते हैं, और हमारा दिमाग उन्हें परसीव करता है
फियर इमोशन के साथ। सो यहां पर बेसिकली फियर स्कैरीनेस उन क्रिएचर्स से नहीं बल्कि उनके अननोन होने से एंड इन द वेरी फैक्ट कि वो एक अननोन एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि 95% अनएक्सप्लोर्ड है, यहां से वो फियर क्रिएट हो रहा है। अगर इनका एक्सपोजर रिपीटेड हो गया आपके सामने जैसे कि ये एक्वेरियम्स में इधर उधर दिखने लग गए हर जगह पे, तो ये फियर भी कम हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद यू वुड जस्ट नॉट फियर। सो होपफुली फ्रेंड्स अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि क्यों ये डीप सी क्रीचर्स हमें डरावने दिखते हैं। बट अगर आपको याद होगा तो डर्क को मिले क्रीचर्स में ये क्रैब्जिला नॉर्मल क्रैब्स की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा था, काफी ज्यादा मैसिव है। तो क्या डीप सी उसमें रह रहे क्रीचर्स को बड़ा भी बना रही है मैसिव साइजेस में? वेल दैट इज फॉर अ फैक्ट। अब डीप सी क्रीचर्स इतने बड़े और विशालकाय क्यों होते हैं इसे भी मैंने डिटेल में प्रूफ्स के साथ एक्सप्लेन किया है अपने एक पुराने वीडियो में जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। आई हाईली सजेस्ट दैट इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस, यू चेक दैट आउट। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे ही सवाल अगर आपके दिमाग में आते रहते हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिलते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो सवालों के जवाब हम आपके लिए लाएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।